Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Kharna Girls Rural College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing with you all the topics under the main heading, that is mental health. And this is the last lecture of that series, that is behavior problems in children. So let's start behavior problems. मतलब देखिए जब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं इसका मतलब कि बहुत सारे problematic students से भी आपको deal करना होगा तो पता होना चाहिए कि problem भी कितने तरीके की है कैसे classify किया गया है कौन सी characteristics हैं है ना तो behavior problems among children are a deviation from the accepted pattern of behavior on the part of the children exposed to varying social and cultural environments यानी कि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरणों में जो बच्चे हैं वो उनके पार्ट का बिहेवियर उनके बिहेवियर उनका व्यवहार जब एक्सेप्टेड जो स्वीकृत मानक हैं जो एक्सेप्टेड पैटर्न है उससे विचलित होता है तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आते हैं However, these are not to be associated with the presence of psychiatric illness in the child, as these are only the symptoms or reactions to emotional and environmental stress. लेकिन ये जो behavior problem होती है students में, children में, उनको psychiatric illness के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए. मतलब उनको कोई मनोवैज्ञानिक रोग नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके इर्द-गिर्द जो उनके साथ सामवेगी किया पर्यावरणीय stress तनाव है, उसी के वो symptoms हैं, उसी के द्योतक हैं, you can say. However, if these behaviors are persisted for a long period of life, then they are likely to face problems of adjustment to the child in school age. लेकिन अगर ये व्यवहार बहुत लंबे समय तक बच्चे के जीवन में रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसके एडजस्टमेंट में उसको प्रॉब्लम आती है। तो जब ये सवाल, ये जो कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट, ऐसे करके होता है, यानी कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट, बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी तो एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी अगर बच्चा मेंटली हेल्दी है नॉर्मल है कोई उसका कोई दिक्कत नहीं है तो उसका एडजस्टमेंट अच्छा होगा If the behaviors are maladaptive, then that behaviors are detrimental to self as well as to society. अगर उसके व्यवहार जो है वो कुनियोजित होते हैं मतलब कहने का मतलब सुनियोजित नहीं adaptive कुअनुकूलित मतलब उसका अनुकूलन जो है वो गलत तरीके से हो गया है मैल का मतलब गलत होता है ना मैल न्यूट्रिशन कुपोषण ना मैल इन्फॉर्मेशन गलत सूचना इस तरह से तो बिहेवियर्स आर डेट्रीमेंटल तो उसका व्यवहार जो है वो स्वयं के लिए और समाज के लिए घातक होता है As the problem behaviors fail to meet the social expectations, so it is disturbing to the other members of the society. और अगर उसका जो behavior है, वो social expectations को meet नहीं करता, मतलब जो सामाजिक उससे अपेक्षाएं हैं, उसमें fulfill नहीं होता, उसकी पूर्ति नहीं करता, तो वो समाज के अन्य members के लिए disturbing हो जाता है. It is also considered as non-conformity to the existing social norms or demands. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सामाजिक जो मांग है, जो सामाजिक मानक हैं, उनसे हम non-conformity कॉन्फॉर्मिटी मतलब उनके 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 जैसे नहीं है उनसे अलग है कॉन्फॉर्मिटी नहीं शो करते मतलब उनके जैसे नहीं है उसको फॉलो नहीं कर रहे नॉन फॉलोअर्स हैं इनसे है ना फिर अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू कॉपी एंड डिफेंसेस एडिक्वेटली टू मीट द एनवायरमेंटल डिमांड्स फेसेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस एंड डिफिकल्टीज व्हिच हैव अ स्ट्रांग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन हिज ग्रोथ पर्सनालिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखिए ये जो साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है वही एक तरीके से आपका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के एडजस्टमेंट के तरीके हैं मतलब कि आपके संग प्रॉब्लम है आप कोप अप कर लेंगे वेल एंड गुड कोप अप नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी जब आप कोप अप नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारा तनाव और परेशानी आएगी उसका एक आप पे मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपकी वृद्धि पे आपके व्यक्तित्व और आपके बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगा अकॉर्डिंग टू वेलस्टीन ऑल दोज चिल्ड्रन हुज बिहेवियर एंड पर्सनालिटीज आर सो एबनॉर्मल दैट दे बिकम द क्रिएटर्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द होम स्कूल एंड सोसाइटी आर नेम्ड एज प्रॉब्लम चिल्ड्रन वेलस्टीन ने कहा कि वो सभी बच्चे जिनका व्यवहार और जिनके व्यक्तित्व इतने एबनॉर्मल है मतलब इतना अलग है सबसे इतना गलत दिशा में मुड़ गए हैं कि वे घर विद्यालय और समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम चिल्ड्रन कहते हैं ठीक है अब है बिहेवियरल प्रॉब्लम के इंडिकेटर कैसे आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है चिल्ड्रन को कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो देयर इज अ डिफिकल्टी टू लर्न प्रॉपर्ली वो सीखने में दिक्कत कर रहा है दे मे नॉट बी रिलेटेड और लेकिन वो बुद्धू नहीं है मतलब वो मूर्ख नहीं है मूर्ख बुद्धिमान है लेकिन उसके बावजूद सीखने में दिक्कत कर रहा है उसको इंटेलेक्चुअल सेंसरी और हेल्थ की जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अगर सीखने में दिक्कत कर रहा है इसका मतलब उसका मन ही नहीं लग रहा है ना बिहेवियर प्रॉब्लम है देयर इज एन इनकेपेबिलिटी टू बिल्ड और मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड टीचर्स और उसके वो अयोग्य साबित हो रहा है उसका कोई हेल्दी रिलेशनशिप उसके साथ के दोस्तों और उसके टीचर्स के साथ नहीं है देयर इज अ टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल इंडिकेशंस ऑफ फियर्स एसोसिएटेड विद पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम्स है ना फियर जो एंजाइटी ये सारे भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के इश्यू
इश्यू होते हैं. द बिहेवियर्स बिकम डेंजरस टू सेल्फ और अदर्स, सच एज हिटिंग अदर्स, बीटिंग, बाइटिंग ओन हैंड्स एटसेट्रा. मतलब वो स्वयं के लिए और दूसरे लोगों के लिए डेंजरस भी हो सकता है. किसी को भी मार रहा है, अपना ही कुछ काट रहा है, हाथ काट रहा है, कुछ कर रहा है. The behaviors or feelings are not appropriate for the age under normal circumstances, such as 15 years old child sucking the thumb. और कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे 15 साल का बच्चा अंगूठा चूस रहा है, तो वो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, ये भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है. The behaviors affect the learning situation of the child, such as child cries when she is being taught. और ऐसा व्यवहार जो उसकी लर्निंग सिचुएशन को इफेक्ट कर रहा है, जैसे जब उसको पढ़ाने शुरू करते हैं आप, वो रोना शुरू कर देता है, कैसे पढ़ाएंगे आप उसको. The behaviors are socially deviant, such as stealing, telling lie, etc. मतलब जो उसका व्यवहार है वो सामाजिक रूप से विचलित है, मतलब वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सब कर रहा है. Problematic behaviors occur more frequently or persist for longer periods or severe in nature. और जो जो ये देखिए, ये सारा सभी बच्चे कभी ना कभी करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग परसिस्टेंटली उसको कर रहे हैं तो आप बिहेवियरल प्रॉब्लम की कैटेगरी में, बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाएंगे. Behaviors are out of ordinary and seriously break the norms and rules accepted in their home, school and the society. वही बात. ठीक, अब आ जाइए आप क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई करेंगे आप बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों में. तो ये देखिए, एक एक जो डिसऑर्डर है उस पर आप एक एक पेज लिख सकते हैं आराम से, जानबूझ के मैंने उसको एक्सपेंड नहीं किया, सिर्फ दो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है आपके संग डिस्कस करनी चाहिए, आप शायद समझ ना पाए सिर्फ नाम से, वो ही आपसे डिस्कस किए. जैसे इनअटेंशन डिसऑर्डर, इनअटेंशन डिसऑर्डर यानी कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और ये शायद हर बच्चा करता है. क्लास में ध्यान नहीं देना, बच्चे की टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनना, पेरेंट्स की बात को ध्यान से नहीं सुनना. लेकिन अगर वो शॉर्ट स्पैन के लिए कभी वंस इन अ वाइल आप कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आप हमेशा ही ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इनअटेंशन डिसऑर्डर में आप आ जाएंगे. फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, देखिए क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल डम्ब होते हैं, और कुछ हाइपर एक्टिव है, मतलब हाइपो मतलब नॉर्मल से कम, हाइपर मतलब नॉर्मल से ज्यादा. हाइपर एक्टिविटी, वो एक जगह बैठ ही नहीं रहे, उनको आपने एक जगह बैठाया, दौड़ के दूसरी जगह, इधर उधर, एक लिखना शुरू किया फिर उसको काट दिया, दूसरा लिखना, मतलब हाइपर एक्टिव है हर चीज में. ऐसे बच्चों को क्लास में डील करना टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो ये भी एक डिसऑर्डर है और ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है. फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर आप कह सकते हैं जो है, वो ADHD. बहुत आपने सुना होगा ADHD, ADHD. क्या होता है ADHD? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. यानी कि अटेंशन की कमी है और हाइपर एक्टिव है आप, मतलब ध्यान देने में आपका अटेंशन स्पैन कम है, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते और एक्टिव ज्यादा है. तो ये जो ADHD डिसऑर्डर है, इज कंसिडर्ड एज ए परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिविटी दैट इज मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर दैन इज टिपिकली ऑब्जर्व इन इंडिविजुअल्स एट ए कंपेरेबल लेवल ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि आपके साथ के बच्चों से अगर आपका कंपेरिजन किया जाएगा तो आप में लगातार एक हम इनअटेंशन का पैटर्न पाएंगे और एक हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिविटी पाएंगे, तो आप ADHD हो जाएंगे, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाएगी आप में. बहुत रिसर्चेस पे हुई है, बहुत काम हुआ है साइकोलॉजिकली कि क्या कैसे इन बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है, क्या इनके लिए लाभप्रद है, योग, मेडिटेशन, नेचर के साथ, और कैसे फ्रेंडली रहे टीचर, मतलब बहुत सारा इस पे रिसर्च वर्क है, तो आप अलग से इस पे चार पन्ना लिख सकते हैं. फिर कंडक्ट एंड ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है, फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन डिसऑर्डर. देखिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर को डिटेल आउट करने की जरूरत है. एंग्जाइटी मतलब हर चाइल्ड एंग्जियस होता है, और थोड़ी बहुत एंग्जाइटी जरूरी होती है, लेकिन यही एंग्जाइटी जब ज्यादा हो जाए, एंग्जाइटी का क्या मतलब, चिंता, जैसे फियर, किसी चीज का डर है ना, एग्जाम का डर है, किसी भी टीचर हमें मार देगी उसका डर है, अपनी सोशल इमेज के खोने का डर है, अपनी इमेज बिगड़ने का डर है, बहुत तरीके के डर हो सकते हैं, अंधेरे से डर है ना, क्लास टीचर को देख लिया तभी डर गए, रोने लगे, तो ये सब एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर. और डिप्रेशन डिसऑर्डर, डिप्रेशन तो आज के जमाने का सबसे यू कैन से मतलब सबसे ज्यादा देखा जाता है आपको, हर दूसरा आदमी डिप्रेस्ड है, कुछ ना कुछ है उसको दिक्कत डिप्रेशन में, जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है आपके अंदर. ठीक है, फिर ये जो थोड़ा सा बताने वाला है वो है कंडक्ट एंड ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर. ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वार्डले, कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट का मतलब व्यवहार है ना, ऑपोजिशनल डिफिएंट मतलब कुछ आप विरोधाभास शो कर रहे हैं, बाय द ट्रेट्स लाइक द बिहेवियर इज सोशली डिसअप्रूव, जो मना किया गया वही करना, जो सामाजिक रूप से अमान्य आप वही करेंगे. द बिहेवियर इंक्लूड्स एक्टिंग आउट अगेंस्ट पीपल और प्रॉपर्टी एंड द बिहेवियर इज परसिस्टेंट एंड फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल सैंक्शंस. चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर आर हाईली विजिबल डेमोंस्ट्रेटिंग ए कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. मतलब अलग से दिखाई देते हैं बच्चे, जो मना किया गया आपने वही करना है, सबको दिक्कत में लाना है, जो सामाजिक रूप से अमान्य तरीके हैं वो करने हैं आपको, तो ये आप कंडक्ट एंड ऑपोजिशनल
डेफिएंट डिसऑर्डर में कैटेगराइज हो जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट में पूछा जाएगा। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स में आप ये देखिए, अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि बच्चे उद्दंड होते हैं और क्लास में टीचर को परेशान करते हैं, टीचर की बात नहीं, ऐसे आपको जनरल बात नहीं करनी है। आप बिहेवियर प्रॉब्लम मतलब किस सीमा तक बच्चा डेविएंट है तो आप उसको कहेंगे कि अगर वो समाज में दिक्कत फील कर रहा है तब वो बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो हर बच्चा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करता है, कोई बच्चा एकदम ऐसा नहीं होता है कि जो कहा गया सब सुन रहा है। प्लस अगर आप कैटेगरी के नाम लिखिए कि ADHD, अटेंशन डिसऑर्डर, आपका डिप्रेशन डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तब तो समझ में आएगा कि आप पढ़ लिख कर गए, वरना फिर आप ऐसे ही जनरल बातें लिखेंगे। इसलिए बस मैंने ये अटेम्प्ट किया है आपके साथ, ठीक है? तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स में ये सब आप लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा हाँ, बिहेवियर मॉडिफिक मुझे लगा लास्ट स्लाइड है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की भी टेक्निक्स हैं कि कैसे बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है टीचर या काउंसलर। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट हम लोग ने बहुत पढ़ा है ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट से देखिए इसी में शेपिंग भी आएगा, उसमें भी यही बात है कि हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे के काट छाट के आपके व्यवहार को जैसे माली करता है वैसे हम आपके व्यवहार को कर सकते हैं। जो चाहिए उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें, जो नहीं चाहिए वहां पनिशमेंट दे। इस तरह से करते करते हम डिजायरेबल बिहेवियर आपका ला सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, शेपिंग, एक्सटिंक्शन, ये सब आपकी कंडीशनिंग थ्योरी के ही आपने वहां पढ़ा होगा इसको, एजुकेशनल इंप्लिकेशंस ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी में, वे सब वहीं पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे को, आपने कहा है कि नहीं इतनी बार से इतनी बार गलती नहीं होनी चाहिए, आप बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, उसको बता रहे हैं, तो भी बिहेवियर मॉडिफाई किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड कीजिए कितनी बार उसने ये गलती की, कितनी बार उसने अच्छा बिहेवियर शो किया। कॉन्सिक्वेंस मतलब आप उसको उसको परिणाम बता के कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो वो गलत तरीका इस्तेमाल करना शायद छोड़ दे। और मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में भी यही है, मॉडिफिकेशन करना, जोड़ तोड़ करना, शेपिंग करना। तो इस तरीके के साइकोलॉजी में बहुत सारे इस तरीके की मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं जिससे बिहेवियर को मॉडिफाई, थोड़ा जुखाम हो रखा है, बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है? इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही है। सो इन दिस वे एक छोटा टॉपिक, लेकिन कम से कम आप टर्म जानिए तो सही लिखिए, गलत मत लिखिए। और जब इसका एडजस्टमेंट तरीका पूछा जाएगा तो आप साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म लिख सकते हैं ना, जो रिप्रेशन, रिग्रेशन, सबलिमेशन, ये वाली जो होती है कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये वाली, ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसके लिंक। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।